हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुख्य रूप से कृषि वस्तुओं, खाद तेल यानी कि खाने वाला तेल और वनस्पति संपत्ति विकास, पवन ऊर्जा उत्पादन और अन्य के व्यवहार में लगी हुई है। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा इसका कामकाज क्या है, चलते हैं इसके मुख्य डाटा पर। इसका मार्केट कैप 109 करोड़ का, करेंट प्राइस 38.90 रुपया, बुक वैल्यू 138 रुपया। तो बुक वैल्यू से काफ़ी कम रुपए पर ट्रेड कर रही है ये कंपनी की शेयर। 52 वीं का हाई लो 47 रुपया और 26.60 रुपया, स्टॉक पी 35.09, बुक वैल्यू तो बता चुका हूँ, डिविडेंड कोई भी पे नहीं कर रही है, ROC 2.07%, ROE 1.35%। यही दोनों जो है ROE ये थोड़ा लो है मेरे हिसाब से। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। 5 ईयर का अगर रिटर्न देखते हैं तो 8.43 रुपये, मतलब कि 8.43%। और प्रॉफिट बार 5 ईयर्स अगर देखते हैं तो 30.6% का है। PEG रेशियो देखते हैं तो 1.17, इंटरप्राइज वैल्यू 129 करोड़ का है। प्राइस टू सेल्स देखते हैं तो 1.33 है और 1 ईयर का अगर चार्ट देखते हैं तो काफ़ी अप एंड डाउन है। हो सकता है 1-2 महीना में ये अपने लेवल को समथिंग 40-60 पर जा सकता है अनुमान तक, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार ही करें दोस्तों। इस कंपनी में प्रोज 3 है जो कि डेब्ट को रिड्यूस कर रहा है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री माना जा रहा है, मतलब ये अपने आप को मान रहा है। और इसका ट्रेडिंग जो शेयर प्राइस है 0.28 टाइम्स पर है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से नीचे पर ट्रेड कर रही है, वही ये बता रहा है। और कॉन्स इसमें 8 है। तो कॉन्स ज़्यादा है और प्रोज कम है, प्रोज कुछ खास है नहीं, तो मेरे हिसाब से क्या बोलूँ, अब आप लोग खुद ही समझदार हैं। पीयर कंपैरिजन अगर देखते हैं तो 109 कंपनी ऐसा है जिसके लेवल या उससे कम इस कंपनी का मार्केट प्राइस है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जून 2023 का 18.04 करोड़ का सेल्स किया, एक्सपेंस 13.71 करोड़ का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.33 करोड़ का। अदर इनकम 83 लाख का है, इंटरेस्ट 69 लाख का और 14 लाख का डिप्रिसिएशन यानी कि घिसाब वगैरह जो होता है कंपनी में।
नेट प्रॉफिट जो है 3,63,00,000 का, ये बहुत ही अच्छा है, जिसके वजह से EPS 1.31 रुपया आ गया था। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो 81.86 करोड़ का सेल्स किया है, 75.15 करोड़ का एक्सपेंस और अदर इनकम 3,87,00,000 का, और इंटरेस्ट भी 3,94,00,000 का कर चुका है, डिप्रिसिएशन 76,00,000 का, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट 3,03,00,000 का, अर्निंग पर शेयर 1.09 रुपये आया। बैलेंस शीट अगर देखते हैं मार्च 2023 का, तो इस प्रकार है, रिजर्व इसके पास 355.86 करोड़ यानी कि 355.86 करोड़ का है, और शेयर कैपिटल 27.75 करोड़ का, ब्रोइंग नाम मात्र का है 30,28,00,000, जो कि ये कभी भी सदा सकता है, मतलब कि चुका सकता है, और इन्वेस्टमेंट इसका 0 हो गया है, लगभग 0.01, यानी कि 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट रह गया है, तो 0 ही माना जाएगा ऐसी कंपनी के लिए। टोटल एसेट 458.52 करोड़ का, जो कि पिछले साल के अपेक्षा घटा है। कारण कि अदर एसेट भी घट करके 305.02 करोड़ का रह गया है। कैश फ्लो माइनस में है 54,00,000 का नेट कैश फ्लो, और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसके पास घटते क्रम में है, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर से एक जगह पे स्थिर है, 37.81% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, FIs के पास में 4% का है, और DIs के पास में 0.03%, गवर्नमेंट के पास में भी है 2.59%, और पब्लिक के पास में ज़्यादा है 55.57% का। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं तो 14,926 लोगों के पास में इसका शेयर है। इसमें एक न्यूज है, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, इसका मतलब है कि ये छमाही रिजल्ट निकलने वाला है, यानी कि दूसरी क्वार्टर का, तो उसके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जाता है सेबी के रेगुलेशन के अनुसार। तो वही है, 1 अक्टूबर से जब से ये मतलब रिजल्ट घोषित करेगा, उससे 48 घंटे के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका गया है, यानी कि इसका प्रमोटर या प्रमोटर से रिलेटिव, यानी कि प्रमोटर का रिलेटिव इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वो मात्र 48 घंटे के लिए जब से ये रिजल्ट घोषित करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए